जयपुर के आमेर में रैपिड एक्शन फोर्स 83 बटालियन की ओर से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का 82वां स्थापना दिवस मनाया गया। केंद्रीय रिजर्व बल का 82वां स्थापना दिवस कमांडेंट प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में मनाया गया। इस अवसर पर कमांडेंट प्रवीण कुमार सिंह ने शहीद स्मारक पर देश की सुरक्षा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके बाद बटालियन क्वार्टर गार्ड पर सेरेमोनियल गार्ड से सलामी ली। इस मौके पर बटालियन के कंपनियों के बीच वॉलीबॉल मैच का आयोजन हुआ और साथ ही खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया गया। सम्मान देगी तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सीआरपीएफ को सीआरपीएफ का ध्वज प्रदान किया था और इस दिन की महत्वता को ध्यान में रखते हुए सीआरपीएफ कारगिल वॉर जब हुआ था उस टाइम पर ये गवर्नमेंट ने एक इस चीज को एहसास किया कि हर जो फोर्स देश की सुरक्षा में तैनात है उसका एक रोल निर्धारित होना चाहिए। उसके चलते उस टाइम पे डिसाइड किया गया कि सीआरपीएफ को पूरी आंतरिक सुरक्षा मतलब इंटरनल सिक्योरिटी जो है उसकी जवाबदारी दी जाए।